बेशक हिमाचल में इस बार बीजेपी को बहुमत मिला है, लेकिन हमीरपुर जिला में कांग्रेस ने 3 दशकों के कांग्रेस के सूखे को संजीवनी मिली है और कांग्रेस ने 5 में से 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। हमीरपुर जिला में कांग्रेस के बड़े जनाधार से कांग्रेसी भी गदगद हैं और वोट प्रतिशतता में कांग्रेस की 3 सीटें आने पर कांग्रेसी नेताओं में खुशी है। हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप रहानिया ने मतदाताओं का आभार जताया और सालों बाद कांग्रेस पार्टी को अपना मत देकर 3 सीटों को जिताने पर भी खुशी जाहिर की है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि बेशक सीट बीजेपी की झोली में गई है, लेकिन वोट प्रतिशतता बढ़ी है। पठानिया ने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री और फंसे पेज पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दूसरी पार्टी का मामला है। हमीरपुर की जनता का, मतदाताओं का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बरसों से जो बीजेपी की सीट थी इसमें कांग्रेस की जो वोट जो है जो उसमें बढ़ोतरी की और जो जो इस सीट में जो वर्षों से कांग्रेस को मत वोटों में कमी रहती थी उसको पूरा करके आगे बढ़े हैं और बेशक सीट जो है वो भाजपा की जोड़ी में गई है, लेकिन कांग्रेस का मत प्रतिशत जो है वो काफ़ी बड़ा है। अब तो इनका पिछले जो था वो बीजेपी का 25,000 था और कांग्रेस का 16,000 के करीब था और इस बार जो बीजेपी का मत है वो वही है, लेकिन कांग्रेस का जो है वो 18,500 के ऊपर जो वो मत जो है पड़ा है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। किसी को नहीं कह सकते हैं कि ये पार्टी का भाजपा का बड़ा मसला है, लेकिन इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हुआ हो और फिर वो हार गए हों और उसके बावजूद भी जैसे यहाँ रूमर पड़ी है। मैं नहीं समझता हूँ कि भाजपा ही जैसा कोई निर्णय ले और इस निर्णय से जो है वो जो भाजपा के जो दूसरे MLA चुन के आए हैं दूसरे से उनको भी बड़ी इसमें आय हो सकती है, पर मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। क्या वो फैसला करती है उनकी हाईकमांडर ने।